पे ससुराल में आते थे तो कोई उनसे बात नहीं करता था। मेरे माँ बाप अकेले बैठ के बाहर वाले रूम में मेरे से बात करके चले जाते थे। सेम वर्डिंग्स ये आती है मेरे लिए कि तुझे इसलिए यहाँ तक लाया था क्या? हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। सो बैकग्राउंड देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज मैं कहाँ से व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ अपने घर ससुराल। अभी तक मेरे इसके पहले जितने भी व्लॉग्स आए थे वो सब आए थे रांझी वाले, क्योंकि मैं थी अपने मायके में और अब आ गई हूँ मैं अपने ससुराल। तो अब जो व्लॉग्स आएंगे वो यहाँ के आएंगे। सो कैसे हैं आप सब और कैसी पड़ रही है ठंड? तो यहाँ पर तो अब 2-3 दिन हो गए हैं मौसम गर्म है और चल रहा है मेरा काम, खाना ही बन रहा है। तो अभी मैं आधा अपना काम कुछ करके ऊपर आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, शूट कर लिया जाए, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर ट्यूसडे को, आज हो गया है सैटरडे, तो काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग शूट किए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो भी बोलते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग कब आएगा? तो अब आएगा मेरा व्लॉग, तो अब मेरे जो भी व्लॉग्स आएंगे वो यहाँ से आएंगे। तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हो रहा है काम यहाँ पर, काम मतलब खाना बन रहा है और मान्या जा चुकी है स्कूल और बाबू खेल रहे हैं अपनी दादी के साथ में बाहर, तभी तो यहाँ पर काम हो रहा है। तो आज मुझे करनी है बहुत सारी बातें आप लोगों से, बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ में और बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं बैठी थी तो वहाँ से पूजा का फ़ोन आता है कि क्या कर रही है। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं कर रही हूँ, बैठी हूँ जस्ट। तो बोली कि क्या बात है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई व्लॉग आ रहा है, ना कोई शॉर्ट्स डल रहे हैं, क्या बात है? मैंने बोला नहीं यार, मन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बोली क्या हो गया? मैंने बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलती तो फिर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने बोला नहीं अब मन नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं आ रहे। बाकी मेरे पास में क्लिप्स रखी हैं, मेरे मायके वाली भी बहुत सारी क्लिप्स रखी हैं जो मैं दिखाऊं आप लोगों को। हम पिकनिक गए थे ट्यूसडे को तो वो वाली भी क्लिप्स रखी हैं, पर थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था इस वजह से मन नहीं हुआ कुछ। फिर नीतू दीदी का भी फ़ोन आता है, नीतू दीदी बोलती है ऑल ओके? तो मैंने बोला हाँ सब बढ़िया है। बोले लग तो नहीं रहा है? बोली नहीं नहीं सब बढ़िया है। सब्जी वाला आया है नीचे तो बोलती नहीं लग तो नहीं रहा है, तेरी आवाज़ से भी नहीं लग रहा है और कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सेम वर्ड्स इनके भी थे। तो मैंने बोला नहीं दीदी सब बढ़िया है, सब अच्छा है। बोले तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं है तू एक्टिव? और इनने व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज किया था तो उसका भी नो रिप्लाई। तो बोले नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है कि तू ठीक है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने इनको भी बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो 2-3 लोग हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे मेरे पीछे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुझे पुश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें रुकना नहीं है, तो हैं तो बहुत सारे भी नहीं हैं, हैं कुछ गिने चुने ही लोग। तो इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ कि इन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें रुकना नहीं है करके। और फिर पूजा और नीतू दी दोनों की सेम वर्डिंग्स ये आती है मेरे लिए कि तुझे इसलिए यहाँ तक लाया था क्या, कि तू आगे बढ़ करके रुक जाए और यहाँ तक आ करके तू हार मान जाए? नहीं तुझे रुकना नहीं है, तू व्लॉग्स अपलोड कर, तू शॉर्ट्स अपलोड कर, कुछ भी एक्टिविटी देते रहे, पर तुझे रुकना नहीं है। नीतू दीदी ने भी यही बोला और पूजा ने भी यही बोला मुझे कि नहीं आखिर बात क्या हुई। तो मैंने बताया कि नहीं देखिए बात ऐसी कुछ नहीं होती है, मेन ये रहता है कि कभी कभी अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमारी किसी से लड़ाई हुई है या फिर झगड़ा हुआ है, कोई मनमुटाव है या फिर
किसी ने मुझे कुछ बोला या मैंने किसी को कुछ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें फील होने लगता है कि यार हम कर रहे हैं तो उस चीज़ का हमें अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा। और ये हो रहा है कि यार मतलब क्या क्यों, और मतलब मेरे से वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये रहता है ना कि किया कराया जब सब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि यार हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हटाओ रहने दो, नहीं करना। तो जब से मैं यहाँ पर आई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इस वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं थी और मैंने ना ही कोई ब्लॉग शूट किया। फिर सडनली फिर इन लोगों का फ़ोन आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इन लोगों के बोलने पर एक मेरी माँ, जो मेरी मम्मी है रांझी वाली, आपने उनको देखा होगा भी, मैंने अपनी फैमिली भी, अपनी मायके वाली फैमिली भी आप लोगों को, सब लोगों को दिखाई कि वहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा बस हैं। और मेरी छोटी बहन है पूजा, जिसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने घर में है, मेरी शादी हो गई, मैं अपने घर में, बस हम लोग सिर्फ दो बहन हैं। तो मेरे पापा का हमेशा से ये था कि अगर आपके पास में खाने के लिए नहीं है ना तो मत खाओ, लेकिन कभी भी किसी से उधार नहीं लो, किसी दूसरे के पैसे पे नियत मत रखो, किसी दूसरे की संपत्ति पर लालच मत करो। हमेशा यही सिखाया है कि कभी भी किसी दूसरे से पैसे मांग कर अपना पेट नहीं भरना, ना अपना पेट ना अपने बच्चों का। आप अपनी ज़रूरतें कम कर दो, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं तो मत पूरी करो, अपनी ज़रूरतें ख़त्म कर दो, लेकिन कभी किसी से पैसे मत मांगो। और हमारा जो परिवार है, मतलब हमारे यहाँ रांझी में बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, हमारे पापा लोग चार भाई हैं, बड़े पापा हैं, मेरे पापा सबसे छोटे हैं, मेरे जितने भी भाई हैं परिवार में वो सब अच्छी रेप्यूटेटेड पोस्ट में हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड हैं। और मतलब कभी भी हमारी फैमिली में हमने ऐसे दिन नहीं देखे कि हमें कभी किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ी, उधार मांगने की ज़रूरत पड़ी। हमने हमेशा दिया है लोगों को, कभी किसी से लिया नहीं है, चाहे मेरे माँ बाप ने चाहे मैंने भी लोगों के लिए इतना किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। और जिस दिन मैं अपनी बताने में आऊँगी ना, तो उस दिन सामने वालों के जवाब भी मैं सुनने के लिए तैयार रहूँगी कि लोग मुझे क्या बोलते हैं। ठीक है, आपने तो सब किया कराया, मेरा पानी में मिला दिया, मैंने कितना किया है वो तो किसी को याद नहीं है, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए सबने उंगली उठा दिया। क्यों? अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि बहुत लोगों को दिक्कत है मेरे व्लॉगिंग से, मेरे पब्लिक के सामने आने से। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी बहुत लोग खुश नहीं हैं कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, व्लॉगिंग मेरे वीडियोज़ आते थे, छोटे छोटे से शॉर्ट्स वीडियोज़ भी आते थे। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो एक मोनिका दी हैं, उनने मुझे सपोर्ट किया, मेरा जो फर्स्ट व्लॉग आया था उनने मुझे एडिट करके दिया था कि तुम ये व्लॉग डालो, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे स्टोरीज बनाना एडिट करना और सब ये सब कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने उनको छोटे छोटे से क्लिप्स दिए थे कि दीदी आप मुझे एडिट करके बताओ कि कैसे करना है क्या करना है। तो जो फ्रंट पेज रहता है टाइटल वाला सॉरी वो भी उनने मुझे बना करके दिया था और एडिट करके पूरी वीडियो मुझे दी थी। तो मेरा काम था सिर्फ अपलोड कर देना। फिर नेक्स्ट वीडियो से मैंने वीडियो को एडिट करना, उनने मेरे को बताया कि कैसे करना है, तो फिर मैंने वो चीज़ चालू करी। तो फिर मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाती थी, लेकिन हाँ जब मुझसे आया मैंने खुद से चालू किया तो लोगों को, मेरे घर में भी मेरे लिए ये सवाल उठे कि क्यों करना है, तुम्हें ज़रूरत क्या है करने की। मुझे ये बोला गया मेरे घर में, मुझे ये बोला गया कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, क्यों करना है तुम्हें, तो यार क्यों नहीं करना, मुझे आप बताओ मुझे क्यों नहीं करना, मैं क्यों चुप रहूँ, मैं क्यों शांत बैठूँ, यार हर कोई कर रहा है यार, मैं बस क्यों नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ इसलिए नहीं ना। तो अगर मेरे व्लॉग्स में मुझे लेकर के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
पॉजिटिव कमेंट आ गए तो दिक्कत हो गई। अगर आपको लेकर के कोई अच्छा बोल रहा है तो बुरा भी बोलेगा, बुरा बोल रहा है तो कोई अच्छा भी बोलेगा। देखिए मैंने सबकी वीडियोज़ में, मैं भी काफ़ी लोगों को फॉलो करती हूँ, मैंने भी काफ़ी क्रिएटर्स को ज्वाइन कर रखा है, मैं भी देखती हूँ कमेंट्स सबके में, किसी में अच्छे आते हैं किसी में बुरे आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम चाह रहे हैं कि हमारे व्लॉग्स में नेगेटिव कमेंट आए या पॉजिटिव कमेंट आए, ऐसा हम चाह तो नहीं रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाला बंदा मेरी आईडी में आकर के नेगेटिव कमेंट करता है तो इसमें मेरी क्या गलती, क्या गलती मेरी, क्या मेरी ये गलती कि मुझे तुरंत डिलीट कर देना चाहिए था। एक बार डिलीट किया मैंने, दोबारा अगर कमेंट आ गया तो मैं बस 24 घंटे मेरा हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहने का काम नहीं है। मैं मेरे घर में हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनकी जिम्मेदारी, मुझे खुद का काम, मुझे काफ़ी सारा रहता है। इतना फ्री नहीं हूँ मैं कि ऑल टाइम मैं मोबाइल लेके बैठी रहूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार अगर चलो मैंने देख लिया कि कमेंट्स आए हैं फिर उसके बाद में मैं डिलीट कर सकती थी, ये भी है पॉइंट ना कि मैं डिलीट कर सकती थी, लेकिन रहने दो ना यार, मेरे को लेके भी तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हैं, ऐसा तो नहीं है कि यार। लेकिन उसके बाद में ये धमकी देना कि हम चार लोगों से वीडियो बनवा के फिर बुलवाएंगे, तो यार मेरे लिए भी खड़े हैं बोलने के लिए लोग, है ना, मेरे लिए भी, मेरे पीछे भी लोग जवाब देने के लिए खड़े हैं, पूजा नीतू दी और भी हमारे यहाँ, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ छोटे लोग भी हैं जो मेरे साइड से जवाब दे सकते हैं। आप मेरा मुँह बंद करवाओगे लेकिन आप किसी दूसरे का तो मुँह नहीं बंद करवा सकते ना। तो कभी कभी ना हिम्मत हार जाते हैं, हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि क्या, और बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से सामने आई हूँ, और अभी भी अगर ऐसा है कि ये आगे बढ़ रही है या फिर ये सामने आ रही है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पर, ना मैं किसी की बुराई करने के लिए आई हूँ, ना मैं कुछ भी बताने के लिए आई हूँ, मैं अपने दम पर यहाँ पर आई हूँ, मैं अपनी खुद के वीडियोस बनाती हूँ, खुश रहो खुश रहने दो वाला सिद्धांत है मेरा ना। और हाँ एक बात मैं और ये भी बता दूँ कि मैं बहुत सीधी नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ में जैसा है मैं उसके लिए वैसी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ में अच्छे रहोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी रहूँगी, और अगर आप मेरे साथ में थोड़ा सा भी इतना सा भी कुछ करते हो ना तो फिर आप अपने लिए तैयार रह जाना, हो जाना, ठीक है, कि बदले में आपके लिए क्या मिलेगा। मैं बहुत बंधन में हूँ, मैं बहुत बाउंडेशन में हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन कब तक, कब तक, एक हद रहती है ना कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं बोलना है, या फिर इन लॉज ने किसी ने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं बोलना है, तो कब तक नहीं बोलूँगी मैं, तब तक ना जब तक मेरी बर्दाश्त करने की लिमिट रहेगी, फिर उसके बाद में। इसीलिए आप वो दिन भी याद करो कि यार मैं भी अच्छी थी, मैं भी सबके लिए मैंने भी किया, है ना, मैंने भी बहुत किया, और मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पब्लिक में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बोलने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत उंगली उठाई जा रही है यार, मेरे पीठ पीछे मेरे को लेके कितनी बुराइयाँ हो रही है ना वो मैं जानती हूँ। तो मैं बता दूँ कि अभी से नहीं, पहले से अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने अगर किसी को कुछ पलट के जवाब दिया है या फिर कुछ भी मैटर हुआ है, तो डायरेक्ट मेरे संस्कारों पर उंगली उठ जाती थी, जो कि अभी भी हो रहा है, कि मैं बताऊं कि कैसे हैं संस्कार, अरे मत बताओ, मैं खुद बताती हूँ कि मेरे संस्कार क्या हैं। मेरे संस्कार ये हैं कि बेटा अगर तुम जिस जगह पे गलत नहीं हो तो उस जगह तुम सहन नहीं करोगी, ठीक है। तो ससुराल में जब मैं आई तब मेरी एज थी 19, और ससुराल में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, ये हर कोई लड़की बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं था, सबके लिए उसके पार्टनर थे बोलने के लिए, खड़े थे कि नहीं गलत को गलत और सही को सही, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर बोलने वाला कोई भी नहीं था, सब साथ में थे, मैं अकेली थी, तो मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी तो मेरे लिए कौन बोलेगा। इस वजह से मैं शुरू से गलत हूँ और अभी तक गलत हूँ, क्योंकि मैंने सही को सही और गलत को गलत बोला, ठीक है। तो मेरे ये संस्कार थे कि जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ तो उस जगह पर नहीं झुकूंगी, और उस जगह पर मैं दूसरे की नहीं सुनूंगी, ठीक है, और मैं अपने लिए खुद बोल सकती थी, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, इस वजह से मैं शुरू से गलत थी। तो मेरे को अब कोई तीसरा बंदा आके ये धमकी नहीं देगी, मैं बताऊँ कैसे हैं संस्कार, अरे यार
आप मुझे भी जान रहे हो और घर में जो भी सदस्य हैं उनको भी जान रहे हो, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कैसे? मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि जो कुछ भी मैंने फेस किया है तो वो अगले बंदे ने भी तो फेस पर किया। किसी को भी कुछ भी बोलना मुझे नहीं लगता कि सही है। और फिर उसके बाद में मैं मुझे वो दिन भी याद है कि जब मेरे घर में कुछ भी मैटर होता था, कुछ भी बात होती थी, तो मेरे माँ बाप तक बात पहुँचती थी। और फिर अगर उसी बीच में मेरे पेरेंट्स अगर मेरे ससुराल में आते थे तो कोई उनसे बात नहीं करता था। मेरे माँ बाप अकेले बैठ के बाहर वाले रूम में मेरे से बात करके चले जाते थे। मुझे वो भी दिन याद है, मैं वो दिन भी नहीं भूली हूँ। तो मतलब मैंने वो दिन भी देखा है यार, ऐसा नहीं है। आज मेरे ऊपर अगर उंगली उठ रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो मैं कौन होती हूँ किसी के साथ में गलत करने वाली? कौन होती हूँ? अगर सामने वाला बंदा कुछ चीज़ झेल रहा है और ये चीज़ है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं भूल गई हूँ या फिर मैंने गलत किया, तो नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, मुझे सब कुछ याद है। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब कुछ भी मैटर होता था तो मुझे डायरेक्ट नहीं बोला गया, मुझे डायरेक्ट किसी ने नहीं बोला, मुझे इसके उसके ज़रिए बोला जाता था। इसके उसके ज़रिए मतलब फ़ोन करके मेरे माँ बाप को डायरेक्ट टारगेट करके बोलना, अरे उसके मम्मी पापा के ऐसे संस्कार। ये सारे दिन भी मैंने देखे हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास में मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये है मेरे संस्कार, ठीक है। मैं खुद अपने लिए बोल रही हूँ ना कि मैं बहुत सीधी नहीं हूँ, नहीं सुन सकती गलत को गलत और सही को सही, मुझे बोलना आता है। मैं नहीं बोल सकती कि नहीं भाई, अगर इस जगह पे कोई गलत है तो उसको मैं सही बोल दूं कि नहीं आप सही हो, ऐसा मैं नहीं कर सकती, सॉरी। और अगर इसके चलते मैं बुरी हूं तो ठीक है, मैं बुरी हूं, मैं सबके लिए बुरा बनने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। तो ये रही मेरी कहानी। और अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फ्रस्ट्रेशन के रूप में अंदर दबी हुई हैं, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे से बाहर निकले। तो इस वजह से मतलब होता है ना, अभी भी ऐसा है कि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ, किसी के कान में आवाज़ पहुँच जाती है ना कि यार ये वीडियो बना रही है, तो उस टाइम तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन बाद में मुझसे बोला जाता है कि अरे वीडियो बना रही हो, ये भी तो दिखाओ, वो भी तो दिखाओ, ऐसा भी तो बताओ, वैसा भी तो बताओ। अरे यार क्यों? तो मैं अगर इस प्लेटफॉर्म में आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं किसी की बुराई करने के लिए थोड़ी ना खड़ी हूँ, मैं तो अपना अच्छा बताने के लिए। और अभी तक मैंने किसी की बुराई तो नहीं की, ना फिर मैंने कोई भी नेगेटिव वे बताया, मैंने तो सब अच्छा अच्छा बताया ना। तो अब मैं यहाँ पर, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा भी तो बताओ वैसा भी तो बताओ? मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे किसी का, लेकिन अभी भी मुझे बोला जा रहा है। इवन आज भी मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना जब बाहर बैठ के, तो लोग सुन रहे थे। उसके बाद में मेरे को बोला गया कि अरे ऐसा भी तो बताओ वैसा भी तो बताओ, वीडियो बनाएंगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वाई मुझे राइट क्यों नहीं है वीडियो बनाने का? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और दूसरी बात, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत, क्योंकि मैं सब अच्छा बता रही थी अभी तक। लेकिन अगर अब आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम्स सीन्स बनते हैं तो फिर अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी यार। क्यों चुप रहूँ मैं? मैं भी उसी घर में हूँ और मैं भी वही सब फेस कर रही हूँ और वही सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बाहर से सब बहुत अच्छा दिखता है लेकिन होता अंदर कुछ और ही है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मैं चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दो, मैं खुश हूँ और आपको खुश रख रही हूँ, तो आप भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, कम से कम इसी बहाने मेरी भड़ास निकली तो पूजा के, नीतू दीदी के कहने से। मैं किसी की बराबरी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ यहाँ पर, बराबरी करने के लिए मेरी बहन है, हम दो बहनें हैं, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, उसने 23 साल की उम्र में राजनीति पर पहला अपना कदम रख दिया था। 24 साल की उम्र में वो अपने गांव की सरपंच होके, आज 25 साल की उम्र में वो सरपंच होके 2 साल से बैठी है। तो क्या मैं उसकी बराबरी कर सकती हूँ कि मैं उसके जैसे राजनीति भी, घर भी, इन लॉज को भी, सबको हैंडल करना? भाई हर किसी के बस की बात नहीं रहती है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो सामने वाला भी वही हो। वो मेरी बहन है, उसके बाद में मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये दो उंगलियां हैं, दोनों उंगलियां बराबर नहीं है। तो जो चीज किसी ने झेल के निकल गया तो वो दूसरा झेल सकता है या नहीं झेल सकता है, वो उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर पूजा है, पूजा कुछ कर रही है, तो जरूरी नहीं कि मैं भी वही अब कुछ कर जाऊंगी, या फिर वो जो कुछ झेल रही है तो मैं भी झेल जाऊंगी, या फिर 5 बजे सुबह वो उठ रही है तो मैं भी 5 बजे उठ पाऊंगी। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो?
और डायरेक्ट कैसे आप संस्कारों पे उंगली उठा सकते हो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी ना तो मैं बहुत ज्यादा बौखला गई। मैंने कुछ ऐसे ऐसे अपने लिए वर्ड सुने ना तो मैं बहुत बौखला गई, और मैं शांत रहने वालों में से नहीं हूँ, और मैं किसी के सामने अब नहीं चाहती कि मैं कुछ बोलूँ। इस वजह से मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी भड़ास निकालने का, तो इस चीज़ को माइंड मत करना। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर सामने से बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो वो हो सकता है पीठ पीछे अच्छी ना हो, या फिर अगर कुछ अच्छा नहीं दिखाया जा रहा तो हो सकता है उसके पीठ पीछे बहुत अच्छा कुछ हो, ये भी हो सकता है। दो वे होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के, एक साइड अच्छा होता है एक साइड बुरा होता है। तो आप अगर एक फैमिली में हैं, आप मतलब एक फैमिली में हो करके सबके बीच में हैं, अगर आपके भी परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो ये चीज़ सभी को समझ में आनी चाहिए और सभी के घर में होगा कि कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, कभी सब साथ में तो कभी कुछ नोक झोंक होती रहती है। तो इस वजह से किसी के संस्कारों पर, किसी के मायके पर या किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर बाकी रही बात इतना कि मैं अभी भी ये बोलूँगी कि मैंने बहुत किया है, सबके लिए बहुत किया है, बदले में मेरे को सिर्फ बातें मिली हैं, सिर्फ बातें, और वो भी मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव बातें। तो वो अब ठीक है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों के सामने। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, बहुत भड़ास जो मेरे मन में थी वो सब निकल गई। अब हम कल से मिलते हैं आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के। कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आए आपके सामने। बहुत ही मुश्किल है ये दौर मेरे लिए कि आप लोगों के सामने वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहें, क्योंकि बहुत ही ऑब्जेक्शन है मेरे वीडियोस बनाने के लिए, क्रिएट करने के पीछे। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, इतना तो है। क्योंकि मेरे को भी पुश करने वाले लोग हैं, मेरी माँ है, जो मेरी माँ जो मुझे चाहती है कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, पूजा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे खुद वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम आगे बढ़ती जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। तो जब मेरे बैकबोन्स मेरे साथ में हैं तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना कि मैं पीछे हटूँ और मैं डरूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, मेरी भड़ास, मेरा जो गुस्सा था अंदर का वो सुना। और बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।